नमस्कार दोस्तों, गुरु नानक केयर्स में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, मार्केट में बहुत प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि ऐड करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि आपके चेहरे पे इंस्टेंट ग्लो आएगा। ये कॉस्मेटिक रेंज है। कुछ FMCG के प्रोडक्ट्स हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। और यकीन जानिए, सबसे फास्टेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स आज की डेट में यही हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लेकिन हमें चौकन्ने रहना है दोस्तों, हर प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा नहीं है। आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हमारे फेस पे, जो लास्ट हमने बात की थी, ग्लो लाने के लिए, चेहरे पे डलनेस दूर करने के लिए, चेहरे पे उम्र से पहले रिंकल्स आने और दाग और धब्बे या पिगमेंटेशन जिसे हम कहते हैं, उन्हें अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या कारण है, किस वजह से ये सब होता है और क्या कारण है इसे, हम कैसे इसको अवॉइड करें, क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए जिस वजह से हम हमेशा के लिए यंग रहें, और कौन से प्रोडक्ट्स हमारे लिए अच्छे हैं और कौन से हमने अवॉइड करने हैं, इसका ज्ञान होना दोस्तों बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या कारण क्या है, क्यों हमारे फेस पे डलनेस रहती है, किस कारण से पिगमेंटेशन होती है, किस कारण से कुछ एक्ने के मार्क्स रह जाते हैं। पिंपल्स हर किसी को होते हैं उम्र में, लेकिन उसके मार्क्स नहीं रहने चाहिए, फेस पे एकदम शाइन रहनी चाहिए, ग्लो रहना चाहिए और क्लीन रहना चाहिए। क्या कारण है, क्यों, लेट अस सी दैट रीजंस, कॉजेस क्या है इसके। सबसे पहले मेजर कारण एक है नरिशमेंट का दोस्तों, अंडर नरिश्ड स्किन, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता हमारी स्किन को। हम पूरा ख्याल रखते हैं, टेस्ट अपने जीभ का स्वाद देखते हैं, लेकिन हम वो नहीं देखते जिसकी हमें बॉडी को, हमारी स्किन को जरूरत है। नरिशमेंट में दोस्तों बैलेंस डाइट का होना बहुत जरूरी है। अंडर नरिश स्किन हमेशा मुरझाई हुई और डल लगेगी, डल दिखेगी। सबसे पहला कारण है नरिशमेंट का। सेकंड कारण दोस्तों आता है, कई बार स्किन की एलर्जी रहती है, किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है। कोई टॉक्सिन्स हैं अवेलेबल, जैसे टॉक्सिन्स हैं यहाँ स्प्रेड आउट हैं एनवायरनमेंट में ही हैं, और सबसे ज्यादा तो आजकल कारण बन रहा है पोल्यूशन का, जो हम रोज देख रहे हैं, पोल्यूशन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और वो हमारी स्किन के लिए कोई अच्छा नहीं है। तो ये कुछ केमिकल्स हैं हवा में, कुछ टॉक्सिन्स हैं, कुछ पोल्यूटेंट्स हैं जिस वजह से स्किन पे असर रहता है। तीसरा दोस्तों सन, कई बार सेंसिटिव स्किन रहता है, हाइपर सेंसिटिव स्किन रहता है, डायरेक्ट सन, धूप में डायरेक्ट सन अगर पड़ता है फेस पे तो उस वजह से टैनिंग हो जाती है। टैनिंग कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अगर वो पिगमेंटेशन का रूप ले ले तो वो खतरनाक है, वो उसका जाना बहुत जरूरी है। एंड फाइनली एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज, जो सबसे ज्यादा जरूरी कॉज है समझना, वो है दोस्तों स्ट्रेस। लाइफ बहुत तेज बढ़ रही है, बहुत फास्ट भाग रहे हैं सब, लेकिन हम एक चीज भूल रहे हैं कि इसके साथ साथ स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। स्ट्रेस दोस्तों थोड़ा हो, ज्यादा हो, वो चेहरे पे आ जाता है, वो चेहरे से दिख जाता है, चेहरे पे रौनक नहीं रहती, डलनेस रहती है और किसी ना किसी शेप में हमारा चेहरा बिगड़ जाता है। उम्र से पहले बूढ़े होना, रिंकल्स आने और डलनेस रहनी चेहरे पे, ये स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, इससे बचना बहुत जरूरी है। तो इसलिए डूज एंड डोंट्स में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले न्यूट्रिशन के लिए तो बैलेंस डाइट का होना बहुत जरूरी है। बैलेंस डाइट में दोस्तों हरी सब्जियां, फल और हाइड्रेशन, यानी कि लिक्विड, फ्लूइड इनटेक प्रॉपर होना चाहिए। इसमें हमें विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ये बहुत जरूरी है, अपार्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। हम अगर पोटैटो, राइस, इसी पे जोर देते रहेंगे तो वो बात नहीं बनेगी। हमें मिक्सचर ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ऑल द न्यूट्रिएंट्स का मिक्सचर चाहिए, जिसे हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। सो डाइट में आप विटामिन्स, मिनरल्स जरूर देखें, मौसमी फल जरूर खाएं और न्यूट्रिशन में हाइड्रेशन का ख्याल रखें। लिक्विड इंटेक ज्यादा होना चाहिए, फलों का रस, सूप्स, जैसे अभी आने वाले समय में विंटर्स में सूप, घर के बने सूप, सिंथेटिक नहीं, एंड कोकोनट वाटर, इसे हम डेली इंटेक में ऐड कर सकते हैं। ये हमारा न्यूट्रिशन का पूरा ख्याल रखेगा, हाइड्रेशन। अवॉइड कीजिए डायरेक्ट सन में जाना, जितना हो सकता है अवॉइड कीजिए, कवर्ड रखिए अगर इनकेस जाना पड़ जा रहा है बाहर तो। और स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना बहुत जरूरी है। आप अगर नोट करें, कुछ वीडियोस मैंने 3 पार्ट्स में स्ट्रेस मैनेजमेंट का डिस्कस किया था, बहुत ही हेल्पफुल रहे हैं, मेरे को मैसेजेस भी आते रहे हैं, तो अगर समय निकाल के आप वो जरूर देखें। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स डिस्कस की हैं, सिंपल स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाता है, 3-4 पॉइंट्स में डिस्कस किया है, तो जरूर देखिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो
बूढ़े हैं, घर में बुजुर्ग हैं, कुछ भी है, स्ट्रेस हर किसी को होता है, लेकिन उसको मैनेज करने का तरीका आना चाहिए, वो बहुत जरूरी है, नहीं तो वो चेहरे पे दिखना शुरू हो जाता है। तो लास्ट ऑफ ऑल मेडिसिन, मेडिसिन साथ में जोड़नी जरूरी है, मेडिसिन के साथ साथ ये सारे पॉइंट्स काम करेंगे सो दैट हमारे चेहरे पे हमेशा के लिए ग्लो रहे, डलनेस दूर रहे और गोरापन रहे, ग्लोइंग स्किन रहे हमेशा के लिए। तो इसके लिए दोस्तों देखा है कि बहुत 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 प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में और कॉस्मेटिक्स के कैटेगरी में आ जाते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हैं, लेकिन सारे प्रोडक्ट्स हमारे लिए अच्छे नहीं है दोस्तों, क्योंकि उनमें बेशुमार लेवल के केमिकल्स हैं जो कि उल्टा हार्म पहुंचा सकते हैं हमारे स्किन को। होम्योपैथी में एक ऐसा प्रोडक्ट है, आज उसका रिव्यू करेंगे हम इन शॉर्ट, जो कि मैं अपनी ओपिनियन देता हूं, लेकिन जो कि वो बहुत ही कामयाब प्रोडक्ट है दोस्तों, वो है बैक्सन कंपनी का सनी की फेयरनेस क्रीम फॉर वीमेन। आज डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर, दे हैव लॉन्च दिस प्रोडक्ट, आप देख लीजिए अच्छे से, ये फॉर वीमेन के लिए है, सिर्फ लेडीज के लिए है, क्योंकि स्किन थोड़ा सेंसिटिव रहता है, तो पर्टिकुलरली उसको माइंड में रखते हुए ये पर्टिकुलर स्पेशल प्रोडक्ट तैयार किया गया है, सनी का फेयरनेस क्रीम फॉर वीमेन। क्यों यह प्रोडक्ट अच्छा है, क्यों हमें यूज करना चाहिए, क्या इसकी इंग्रेडिएंट्स एंड कंपोजिशन आज डिस्कस करेंगे और इसके क्या बेनिफिट्स हैं हमारी स्किन के लिए। तो आज देखते हैं इसके अंदर कंपोजिशन में क्या क्या है। सबसे पहले तो दोस्तों ये टोटली होम्योपैथिक प्रोडक्ट है, इसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है और होम्योपैथी के कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं है प्रोडक्ट्स के, हमें मालूम है बहुत ही अच्छे हैं हमारे स्किन के लिए। सबसे पहले दोस्तों इसमें है एलोवेरा, एलोवेरा के बारे में हम हर कोई जानता है, एलोवेरा इज वेरी गुड फॉर योर स्किन, आपके चमड़ी के लिए, त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा है, ग्लो के लिए बहुत अच्छा है और ये जो है पिगमेंटेशन में उसको कम करने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, एलोवेरा इसमें है सबसे पहले। देन देयर इज कैमोमिला, कैमोमिला एक और होम्योपैथिक मेडिसिन है, दवा है दोस्तों, जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छी है, ये जो एक्ने के मार्क्स हैं उसको रिमूव करने, उसको कम करने में बहुत सहायक होती है। विच हेजल दोस्तों, विच हेजल इज कॉम्बिनेशन, ये हेमामिलिस है, एक हेमामिलिस प्लांट होता है, उसकी रूट से तैयार होता है, जिसमें साथ में कैलेंडुला भी मिक्स किया हुआ है, जो कि स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है विच हेजल, अलग से भी आती है होम्योपैथी में, तो विच हेजल है इसमें दोस्तों। विटामिन ई और सी तो हमें मालूम है, दे आर वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि स्किन के लिए बहुत ही जरूरी है। उसके अलावा लिकोरिस है दोस्तों, लिकोरिस ग्लाइसिरेज़ा ग्लैबरा से तैयार हुआ है, वो भी एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसके रूट्स से तैयार हुआ है, जिसे हम मुलट्ठी भी बोलते हैं हम हिंदी में, तो इसके रूट्स बहुत बेनिफिशियल है स्किन में ग्लो लाने के लिए लिकोरिस के। मिल्क प्रोटीन है दोस्तों, और सबसे बड़ी बात है दोस्तों ये एक वाटर बेस्ड ऑइंटमेंट है, वाटर बेस्ड है, इसका कोई नुकसान नहीं है, कई होते हैं ऑयल बेस्ड होते हैं, जेल बेस्ड, तो वो उसका कोई ना कोई हार्मफुल इफेक्ट रह सकता है, लेकिन ये टोटली वाटर बेस्ड है, इसमें साथ में ग्लिसरीन भी है, तो ये ओवरऑल जिसकी कॉम्पोजिशन देखी जाए तो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है और दोस्तों इंस्टेंट ग्लो के लिए, लेडीज के लिए इंस्टेंट ग्लो के लिए बहुत ही बेहतरीन इसके रिजल्ट्स हैं। इन केस आपने कहीं पार्टी में जाना है या बाहर जाना है तो इमीडिएट ग्लो, इमीडिएट शाइन चाहिए फेस पे विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, तो दिस इज द प्रोडक्ट, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसके लगाने का तरीका मैं शॉर्ट में आपको समझा दूं, फेस पे लगा सकते हैं दोस्तों इसको, नेक पे लगा सकते हैं और आर्म्स पे लगा सकते हैं, जो भी आपका एक्सपोज्ड पार्ट है उस पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, दिन में दो बार कर सकते हैं, कंफर्टेबली कर सकते हैं, मॉर्निंग में जैसे फेस वॉश किया, नेक वॉश किया, जो पार्ट पे हमने लगाना है उसको अप्लाई करना है, उसको वॉश करके टॉवल से अलग से ड्राई कीजिए अच्छे से और इसको हल्का सा लगा के इसको सर्कुलर मोशन में, अपवर्ड्स सर्कुलर मोशन में इसको अप्लाई कीजिए ऑन योर फेस, चीक्स पे जो अफेक्टेड पार्ट है वो तो जरूरी है, अदरवाइज ऑल्सो नेक पे और आर्म्स पे लगा सकते हैं, इससे इंस्टेंट ग्लो रहती है और जो पिगमेंटेशन वाला स्कार्स पार्ट है वो हिडन रहते हैं, वो छुप जाते हैं, और इसको अगर रात को भी लगाएं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका स्किन का टोन, कलर टोन चेंज हो जाएगा, दैट इज फॉर श्योर, 100% गारंटीड रिजल्ट्स हैं इसके। तो रात को सोने से पहले भी सेम इसी मेथड से इसको अप्लाई करें और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका स्किन का कलर गोरापन बहुत ही रहेगा इसमें, और जो चीजें हमने छुपानी है, एक्ने स्कार्स हैं या पिगमेंटेशन के दाग धब्बे हैं और जो सांवलापन है उसको ये 100% कवर कर देता है। तो दोस्तों इसलिए इस प्रोडक्ट की मेरी ओपिनियन में बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, टोटली होम्योपैथिक प्रोडक्ट है, आप ट्राई कीजिए जरूर और ओवर पीरियड ऑफ टाइम यू विल गेट एक्सीलेंट रिजल्ट्स और आपके चेहरे पे बहुत बढ़िया शाइन रहेगी।